जी हिंद दोस्तों, दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन एयरफोर्स एफकैट 02-2020 एडमिट कार्ड के बारे में, जो कि ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है, यानी कि जारी हो चुका है। अब आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, और कैसे डाउनलोड कर पाओगे ये जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली है। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही आप शेयर भी करें ताकि ये जानकारी उन सभी लोगों तक पहुँचे जो लोग इसके बारे में अपडेट पाना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों पहले आप ये जान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो जो आपका एग्ज़ाम अब तय किया गया है वो आपका 3, 4 एंड 5 अक्टूबर 2020 को तय किया है, और आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल हो चुका है इसकी कैंडिडेट लॉग इन के माध्यम से, यानी कि जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था, अप्लाई किया था, उसके बाद जो आपको जानकारी मिली थी लॉग इन की, वो यूज करके आप इसको डाउनलोड कर पाओगे। अब कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर दोस्तों अभी जो आप वेबसाइट देख पा रहे हो, इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लिंक आपको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करनी है, फिर यहां पर जो आपने पासवर्ड रखा था वो पासवर्ड आपको डालना है, और जो कैप्चा कोड यहां पर दिखाया जा रहा है ये कैप्चा कोड यहां पर आपको फिलअप कर देना है। अगर कैप्चा कोड समझ में ना आए तो आप यहां से रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करके न्यू कैप्चा कोड ला सकते हो, और तब तक ला सकते हो जब तक आपको सही कैप्चा कोड समझ में न आए। तो आपको ये जानकारी यहां पर भरनी है, और फिर भरने के बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि कुछ कैंडिडेट के सामने जब आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे और आपकी सभी जानकारी सही होते हुए भी आपके सामने आएगा इधर योर रजिस्ट्रेशन इज इनकम्प्लीट और इनवैलिड क्रेडेंशियल। तो बेसिकली आपको क्या करना है, ऐसे में आपको एक बार अपना पासवर्ड रिसेट करके देख लेना है। और वो आप कैसे करोगे, आपको फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी लिखनी है, और जो आपने मोबाइल नंबर भरा था रजिस्ट्रेशन करते समय उसका जो इनिशियल 4 डिजिट विल बी ऑटो पॉपुलेटेड, बेसिकली आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। और जो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने चूज किया था वो यहाँ से आपको फिर से चूज करना होगा, और ये सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या था ये आपको जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद ईमेल आई थी उस ईमेल आईडी के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। तो वो चूज करना है, और फिर उसका आंसर यहाँ पर भरना है। जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है कैप्चा कोड डाल करके आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, और फिर आपको पासवर्ड रिसेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पर आना है और पासवर्ड करके लॉगिन करने की कोशिश करना है। बट अगर आप फिर भी लॉगिन नहीं कर पाते तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको मेल के माध्यम से भेज दिया जाएगा ऑटोमेटिकली, चाहे आप यहां से इसको डाउनलोड करो या ना करो। बस आपको अपना स्पैम फोल्डर भी ईमेल का चेक कर लेना है। आपको थोड़ा देर बाद अगर आपकी सभी जानकारी से ये फॉर्म कंप्लीट है, फीस पेड है, तो आपको आपका एडमिट कार्ड मेल के माध्यम से भी भेज दिया जाएगा। बट जो डायरेक्टली डाउनलोड कर पा रहे हैं वो कैसे डाउनलोड कर पाएंगे वो आप यहां से अब देख लीजिए। तो जैसे ही दोस्तों आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे अपनी जानकारी भरने के बाद, तो यहाँ पर आपके सामने तीनों ऑप्शन आ जाएंगे। आपको वही ऑप्शन चूज करना है जिस ऑप्शन से आपने अप्लाई किया था, तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आएगा नीचे डाउनलोड एडमिट कार्ड, तो आपको यहां से चूज कर लेना है पीडीएफ या जो भी फॉर्मेट में आप डाउनलोड करना चाहते हो, और यहां से ओके करना होगा। अब ओके करने के बाद आपके सामने यहां पर जो आपका एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा, आप यहां पर देख सकते हो। मैं अभी अन्य किसी वीडियो से जानकारी ले रहा हूं ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूं और आपको दिखा सकूं कि सच में एडमिट कार्ड आ चुका है और डाउनलोड भी हो रहा है। तो आप यहां से इस प्रकार से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। इसमें आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं ये आपको बहुत ही सावधानी से रीड करने होंगे, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारा ध्यान दिया जाएगा। अगर आप इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करोगे तो आपको एग्जाम सेंटर के अंदर तक भी नहीं घुसने दिया जाएगा। इसलिए आपको सभी इंस्ट्रक्शन को रीड करना है, और जो इंस्ट्रक्शन आपको दिए जा रहे हैं इन सभी इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना होगा। और इस प्रकार से दोस्तों आप एफकैट 02-2020 एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाओगे। अगर आपके सामने कोई और भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बैल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।